दलील रामगिरी जो गुस्सा किया था उसके खिलाफ आज गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। नबी पाक की जब हुरमत की बात आती है, नबी पाक की बात आती है तो जब धरना वो नहीं इस्लाम से खारिज, मगर वोट नहीं करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज। सीरत कमेटी बोलकर मिलाद नबी के ऊपर जुलूस करे, वहाँ पे तमाम मुसलमान थे। आप ये फिक्र करें कि मिलाद नबी का जलसा किस तरीके से हम करेंगे। अरे नबी पाक के शान में गुस्सा की भी उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करा, किस बात का कलमा पढ़ रहे हैं ये लोग। आज जनता परिवार ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से गुस्साख रसूल जो गुस्साख किया था जलील रामगिरी, वो तो महाराज बोलने के भी काबिल का नहीं है। जलील रामगिरी जो गुस्साख किया था उसके खिलाफ आज गुलबर्गा में एक हिस्टोरिकल प्रोटेस्ट दर्ज किया गया। मैं तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ और तमाम वो लोगों को जो यहाँ पर इस प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाए। यकीन मानिए ये बहुत बड़ी बात है, शिरकत प्रोटेस्ट में शिरकत फरमाए, इसका ये मतलब है कि अल्लाह हम लोगों को चुना है ये काम के लिए। अल्लाह हम लोगों को चुना है ये काम के लिए। लोगों को लगता है कि हम कार में बैठेंगे अच्छे कपड़े पहनेंगे तो अल्लाह उनके ऊपर मेहरबान है, बल्कि नहीं, अल्लाह हमेशा ऐसे लोगों को ठहराया जो चपलों पे रहते हैं उनको ठहरा कर जंगे बदर कराया है। आज कम से कम 300 के ऊपर लोग थे, जंगे बदर में भी 300 थे, 300 2000 के बराबर थे। आज मुझे बहुत ये बड़ी खुशी की बात है कि आज एक आवाज़ में तमाम लोग, जबकि हमको बड़ी शॉर्ट नोटिस पीरियड मिली, जब इतने शॉर्ट पीरियड में आप लोग आए ये बड़ी खुशी की बात है। तो गुलबर्गा की आवाम से हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अब हम लोग आज यहाँ पर प्रोटेस्ट करें। वी हैव गिवन कंप्लेंट लेटर, नॉट मेमोरेंडम, वी हैव गिवन कंप्लेंट लेटर कि रामगिरी के ऊपर एफआईआर होना। देखिए कैसा हो रहा है यहाँ पर कि कोई एक इस्लामिक इश्यूज़ के ऊपर अगर हमको प्रोटेस्ट करना है कर्नाटक में, हम नहीं कर सक रहे। हम लोग वी आर गेटिंग लॉट ऑफ प्रेशर, लॉट ऑफ इतना फिराया जा रहा है, इतनी परेशानी हो रही है हम लोगों को। क्यों? हम लोग सब मिलकर यहाँ पर एक हुकूमत को चिता के लिए जो बीजेपी के खिलाफ, हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ ठहरेगी और मुसलमानों को सपोर्ट करेगी, मगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पर मुसलमानों को उल्टा दबाया जा रहा। कहीं भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी होती या कोई मस्जिद के होता तो यहाँ पर जब एफआईआर करने आते तो एफआईआर भी लिया नहीं जाता, जबकि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है, हाई कोर्ट का गाइडलाइंस है कि आप एफआईआर और जीरो एफआईआर कर सकते कहीं से भी, मगर यहाँ पर नहीं किया जा रहा। क्यों? जब पूछा जाता है तो हाई ग्रेड ऑफिसर बोलते हैं कि उनको प्रेशर आ रहा, प्रेशर आ रहा है। इनको किसके तरफ से प्रेशर आता भाई? घर वालों से तो नहीं आता, घरवाली से तो नहीं आता। प्रेशर आना तो होम मिनिस्टर से आना या तो डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से आना। और यहाँ पर 12 दिन हो गए रामगिरी महाराज, रामगिरी जो ये बयान कर रहा है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ ये कर रहा है, 12 दिन होने के बाद भी यहाँ पर कोई प्रोटेस्ट का माहौल नहीं है। परेशान हो गया क्योंकि एक वक्त था कहीं भी कुछ होने से पहले गुलबर्गा में सबसे पहले आवाज़ उतरती थी, उठकर वहाँ पर जाती थी। आज बड़े अफसोस की बात है, अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि ऐसी मुस्लिम क़ियादत जिसको जिता कर ले आप लोग, ये कहाँ है ये क़ियादत जिसको जिता के लिए, कहाँ है वो ताजिर, मुसलमान ताजिर जो बोले अगर आज मुस्लिम क़ियादत को नहीं जिताएंगे तो हम तमाम लोग रोड पे आएंगे, हम परेशान हो जाएंगे। बल्कि कहाँ है वो मुस्लिम ताजिर, कहाँ है वो सियासती उलमा इकराम जो मस्जिदों में अनाउंस कर रहे थे कांग्रेस को जिताओ ईमान बचाओ। हम एक मीटिंग में मेरे सामने खुद एक शख्स बोले कि मैं समझता हूँ कि ये MP इलेक्शन में अगर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे तो हम इस्लाम से खारिज, बोले थे। ये क्या बात हो गई है? नबी पाक की जब हुरमत की बात आती है, नबी पाक की बात आती है तो जब धरना वो नहीं इस्लाम से खारिज, मगर वोट नहीं करेंगे तो हम इस्लाम से खारिज। शर्म आना ऐसे लोगों को जो नबी पाक के लिए नहीं धरते। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से 8 दिन का टाइम दिया गया है जिसमें से 4 दिन मुकम्मल हो गए सर, गौरव गवर्नर को दिया गया है। ये सीधा वहाँ का जो चीफ मिनिस्टर है, जो खटिया चीफ मिनिस्टर थे, वो इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसके सर पर हाथ रखकर उसको बताया कि भाई तेरे को कोई नहीं पकड़ सकता, हम ये करेंगे। इसके लिए ज़रूरी क्या है, अगर तमाम मुसलमान एक यूनाइट होकर अगर करेंगे तो इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकते हैं, मगर कहाँ हो रहा। साहब डिपार्टमेंट समझे थे कि प्रोटेस्ट होगा 4-5 हज़ार लोग रहेंगे, मैं बताया हम लोग सो गए हैं सर, कहाँ से 400-500 लोग आएंगे। लोगों को चाय पीना पसंद है मगर प्रोटेस्ट में आना पसंद नहीं था, होटल में दुकानों में बैठना पसंद था मगर प्रोटेस्ट में आना इनको पसंद नहीं है, किस बात का कलमा पढ़ रहे हैं ये लोग। बहरहाल हम कम थे पर मजबूत थे, लड़े जहाँ तक लेकर आए और इंशाल्लाह आगे भी लेकर आएंगे। और एक दिन ये है कि देखिए ये 12 दिन में आप सवाल हमेर को करें, आप सवाल है ना यहाँ की मौजूदा हुकूमत जो मुस्लिम क़यादत है आप उनको भी सवाल करना। ये बात 12 दिन हो गए, 12 दिन में सीरत कमेटी बोलकर मिलाद नबी के ऊपर जुलूस करे, वहाँ पे तमाम मुसलमान थे, बड़े बड़े मुसलमान थे वहाँ पर, ठीक है। अब वहाँ पे थे तो आप क्या फिक्र करें, आप ये फिक्र करें कि मिलाद नबी का जलसा किस तरीके से हम करेंगे, बैंड बाजे नहीं रखेंगे हम, वो रखेंगे। अरे नबी पाक के शान में गुस्सा की भी उसके ऊपर कोई बात क्यों नहीं करा, मीटिंग में करना चाहिए था। तो आप वो सवाल मीडिया वाले उनको करना है सवाल,
हमार को करने से बेहतर। तो बहरहाल खैर, मैं तो ये बोलूंगा कि हमारे तो पैगंबर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके पैगंबर कौन है मुझे नहीं पता। अगर उनके पैगंबर रहते तो चीफ मिनिस्टर के लिए प्रोटेस्ट से पहले ये प्रोटेस्ट किया जाता था। नब ये चीफ मिनिस्टर को गुलबर्ग से बस भरकर जो चीफ मिनिस्टर को इंसाफ दिलाने के लिए जो बेंगलुरु चले गए वो लोग, वो छोड़कर पहले ये प्रोटेस्ट को मुकम्मल करते थे, मगर नहीं करे। पर है गुलबर्ग में आज भी अच्छे मुसलमान, पुख्ता ईमान रखने वाले मुसलमान है जो ये करे। अपार्ट मैं मिलादुन्नबी के ऊपर जो लोग भी जुलूस निकालने वाले हैं, मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। बेशक आप लोग बहुत बेहतरीन काम करते हैं, इससे एक मुसलमानों की यूनिटी नज़र आती है गुलबर्गे के अंदर। मगर आप किसको प्रमोट कर रहे हैं? आप लोग ये भी सोचिए, जो नबी पाक के लिए आवाज़ नहीं उठाए, जो नबी पाक के लिए नहीं लड़े, FIR करने के तक उनको मौका नहीं मिला, एक अल्फाज बोलने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोगों को आप अपने जुलूस में, ऐसे लोगों को आप अपने झांकी में, अपने प्रोग्राम में लेकर आएंगे? आप तमाम मुसलमानों को, खासतौर पे नबी पाक को चाहने वाले लोग, आप लोगों को ये सोचना बहुत ज़रूरी है।